दोस्तों भाभी जी ने खेला कर दिया है। हाँ वही अरविंद केजरीवाल की भाभी, वही अरविंद केजरीवाल की भाभी, जिस भाभी की तबीयत को लेकर अरविंद केजरीवाल दिन रात सूखे जा रहे हैं। मेरी भाभी जी का तो सत्यानाश कर दिया, भाभी जी को इतनी गंदी बीमारी है, ऐसी बीमारी किसी को भी ना हो। अब इसी बीमारी का तोप चलाया है मनीष सिसोदिया की पत्नी, धर्म पत्नी यानी कि अरविंद केजरीवाल की भाभी जी ने। क्या सोचा था अरविंद केजरीवाल ने कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पावर में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया उनसे भी ज्यादा डबल पावर में है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि भाभी जी के चर्चे राजनीति के गलियारों में डूबते जा रहे हैं? कल की बहुत अहम खबर जो आपको बताना इतना अहम नहीं समझा, छोटी मोटी खबर, सत्येंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल के अंदर सड़ रहे थे, जिन्हें 6 हफ्ते की जमानत मिली थी, कल एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, बहुत ज्यादा उनकी फीस भी है, जिन्होंने सत्येंद्र जैन की बीमारी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, कहा डॉक्टर्स ने कहा है इनकी सर्जरी होनी है, इनकी हालत भैया बहुत खराब है, तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे, सर पे चोट आ गई है, 35 किलो वजन घट गया है, अब यदि जेल में जाएंगे तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। इस हेल्थ कार्ड को खेलते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सत्येंद्र जैन की जमानत को फिर से बढ़वा दिया, यानी कि 24 जुलाई तक सत्येंद्र जैन फिर से जमानत पर रिहा हो चुके हैं। अब जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने कल ये चाल चली, आज एक और चाल के साथ हाजिर हो गए और भाभी जी की तबीयत का हेल्थ कार्ड खेला और एक बार फिर से जमानत की जो याचिका थी उसको मंजूरी मिल गई है मनीष सिसोदिया की। आपको बता दें आज एक बार फिर से सुनवाई हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दायर करी मनीष सिसोदिया की पत्नी की स्वास्थ्य का हवाला देकर कि इनकी जो पत्नी है सीमा सिसोदिया जी बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई उनके घर में नहीं है और कृपया कर कर इन्हें रिहाई दे दी जाए। जिस पर वकील साहब ने तमाम तरीके की दलीलें रखी और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़ और पीके ने जो फैसला सुनाया उस फैसले के तहत इस याचिका को मंजूरी दे दी गई है और इस पर अगली सुनवाई जो 17 जुलाई को होनी थी वो प्री फोन कर दी है और वो जो सुनवाई है वो 14 जुलाई को होनी है, यानी कि इतना भी सबर नहीं हुआ और वो सुनवाई 5 दिन पहले 14 तारीख को की जा रही है, यानी कि एक हेल्थ कार्ड खेला जा रहा है। कोई मेरिट इनके पास नहीं है, कोई दलील इनके पास नहीं है, केवल है तो बीमारी का बहाना, जो बीमारी का बहाना सत्येंद्र जैन के लिए भी इस्तेमाल किया और वही बीमारी का बहाना मनीष सिसोदिया के लिए इस्तेमाल किया। मनीष सिसोदिया के मामले में कोई ये दलील क्यों नहीं रख रहा है, कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि 100 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ, शराब नीति में इतना घोटाला कैसे हुआ, किस तरीके से साउथ के माफियाओं को, शराब माफियाओं को मुनाफा पहुंचाया गया, क्यों शराब के कारोबारियों को इतनी ज्यादा सब्सिडी दी गई, कोई भी नहीं पूछ रहा है। हाँ उनकी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर पूरे दिल्ली में, पूरे देश भर में बवाल काटा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन की बीमारी के बारे में तमाम तरीके की दलीलें रखी जा रही है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा है किस तरीके से सत्येंद्र जैन ने इतनी सारी कंपनियों में अपना पैसा लगाया, किस तरीके से शेल कंपनियों में अपना पैसा लगाया और मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये पूरा मामला है उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, सवाल केवल उठाए जा रहे हैं तो इनके स्वास्थ्य को लेकर। वहां अभिषेक मनु सिंघवी ने सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य को अपना हथियार बनाया और वहां मनीष सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य को अपना हथियार बनाया और ये हथियार केवल आज से नहीं बनाया, जिस दिन से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर गए यानी कि फरवरी में उनकी गिरफ्तारी हुई थी तभी से अरविंद केजरीवाल ने ये कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि इनकी तो पत्नी बहुत बीमार है, उनका ध्यान कौन रखेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। अरे देवर जी आप हैं तो सही, भाभी जी की इतनी चिंता करते हैं तो आप भाभी जी का ध्यान रखिए, लेकिन नहीं, आपने तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर सरकारी बंगला भी खाली करवा लिया, तो किस बात की चिंता। इसी के साथ साथ एक और अहम सवाल जो सभी के मन में आना लाजमी है,
मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में बड़े अहम मंत्री थे। शिक्षा मंत्री वो थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो थे, उप मुख्यमंत्री वो थे और तमाम तरीके के मंत्रालय उनके अधीन थे। वो कभी पंजाब तो कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान तो कभी गुजरात तो कभी गोवा तो कभी दिल्ली। उन्हें तो घर में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। तो मनीष सिसोदिया उस समय कितनी देखभाल करते थे अपनी पत्नी की, जो आज मनीष सिसोदिया को जेल से जमानत पर बाहर लाया जा रहा है और बहाना पत्नी की बीमारी का लगाया जा रहा है। पहले आपके घर में हाउस हेल्प हुआ करती थी, केयर टेकर हुआ करती थी, लेकिन आज आपने इतने गुनाह कर लिए हैं कि आपको अपनी पत्नी की सेवा अपने हाथों से करनी है और अपने पाप धोने हैं। कि वही मनीष सिसोदिया हैं जिनकी पत्नी की बीमारी को लेकर शुरू से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और खुद मनीष सिसोदिया तमाम तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं, जिसे लेकर मनीष सिसोदिया को 6 घंटे की जमानत भी दी गई थी, जिसे लेकर उस समय भी तमाम तरीके की कहानियां गढ़ी गई थी। लेकिन आज सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या अब अभिषेक मनु सिंघवी के पास कोई दलील नहीं बची है? वो ये क्यों प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में कोई घोटाला नहीं किया है? वो ये प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि शेल कंपनियों में जो पैसा लगाया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन फंसे हुए हैं, वो नहीं उन्होंने किया है, वो बेगुनाह है, नहीं कोई मेरिट नहीं है उनके पास, लेकिन वो जुटे हैं बीमारी का बहाना लगाने। और अरविंद केजरीवाल तो शुरू से यही कर रहे थे, भाभी जी की चिंता जताते हुए डेली ट्वीट करते थे कि देखिए मेरी भाभी जी का क्या हाल कर दिया है, और अब भाभी जी ने खेला कर दिया है और उनकी बीमारी जो है अब चरम सीमा पर पहुंच गई है और मनीष सिसोदिया को देखभाल के लिए बाहर जाना चाहिए। ऐसे आम आदमी पार्टी के लिए लड़ रहे केस के वकील जो केस लड़ रहे हैं उनकी ये दलीलें हैं। इसी के साथ साथ सत्येंद्र जैन की जो रिपोर्ट्स हैं वो अब एम्स अस्पताल भेज दी गई हैं कि क्या सच में उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, उनकी सर्जरी होनी चाहिए या फिर ये सारा ढकोसला रचा जा रहा है। और ये तो हम सभी ने देखा पिछली बार जब सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती थे, जिनकी बीमारी का बहुत तगड़ा तगड़ा बहाना बनाया जा रहा था, 35 किलो वजन घट गया है, तिहाड़ जेल में गिर गए हैं, चला नहीं जा रहा है, बहुत कमजोर है। जब अधिकारी आते हैं तो वो अपने परिवार से मस्त बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और जैसे ही अधिकारियों को देखा अपने चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा लेते हैं, यानी कि चोरी पकड़ने से उनकी हवा का दबाव कम हो गया शरीर में और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, यानी कि इतना झूठ के खुद को ही हवा नहीं मिल रही है और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के जरिए सांस ले रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का पूरा सच। और ये अरविंद केजरीवाल जी चले हैं राष्ट्रीय राजनीति पर अपना कब्जा करने, जो अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के अपोजिट चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, कट्टर ईमानदार भी साबित होना चाहते हैं, विकास अच्छा कर रहे हैं वो भी साबित करना चाहते हैं, सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति इस समय खड्डे में गिरती दिखाई दे रही है, चाहे उनकी कट्टर ईमानदारी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, जिसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, लेकिन आज बड़ा जरूरी लगा आपको ये बताना किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी अब बीमारियों का कार्ड खेल रही है। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।